हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारकों पर चर्चा कीजिए। तो इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आंसर में हेडिंग डालेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारकों पर चर्चा, तो ये मेन हेडिंग होगी। और इसमें हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे तकनीकी उन्नति, और इसमें हम लिखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक कारण तकनीकी उन्नति है। इंटरनेट, मोबाइल तकनीक और डिजिटल माध्यमों का विकास ने लोगों के संबंध और आदतों में स्थायी बदलाव लाया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सोशल मीडिया, तो इसमें हम लिखेंगे सोशल मीडिया ने सामाजिक संबंधों को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यह लोगों को विभिन्न स्थानों से जोड़ने, जानकारी साझा करने और सामाजिक समरसता बढ़ाने में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ऑनलाइन शिक्षा, तो इसमें हम लिखेंगे डिजिटल शिक्षा के विकास से लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है, जिसने समाज में ज्ञान को बढ़ावा दिया है और विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ा है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वित्तीय प्रौद्योगिक, तो इसमें हम लिखेंगे वित्तीय प्रौद्योगिक के साथ ऑनलाइन लेन देन और ई बैंकिंग का विकास हुआ है, जिससे लोगों को आर्थिक समरूपता की दिशा में सुधार हुआ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आर्थिक विकास, तो हम इसमें लिखेंगे टेक्नोलॉजी ने व्यापक रूप से उद्योग और आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन किया है, जिससे नई रोजगार सृष्टि हुई है और विभिन्न अवसरों का निर्माण हुआ है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, तो इसमें हम लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकास ने आधुनिक चिकित्सा उत्पाद विकास और ऊर्जा संबंधी समस्याओं का समाधान किया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपूर्ति श्रृंगार, तो इसमें हम लिखेंगे आपूर्ति श्रृंगार ने तकनीकी सुधार ने व्यापार और उद्योग में प्रभावी परिवर्तन लाया है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी बिजली और ऊर्जा संकट, तो इसमें हम लिखेंगे बिजली और ऊर्जा संकट को हल करने के लिए नई ऊर्जा स्रोतों की खोज और तकनीकी उन्नति ने बदलाव लाया है, जिससे समाज में ऊर्जा के संबंध में जागरूकता बढ़ी है। तो दोस्तों, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।